नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का जीवन कोश में। कोरोना वायरस, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको एक ऐसी वैक्सीन हम बता रहे हैं जो आयुष मंत्रालय जो है भारत का, उसने भी रेकमेंड किया है। एक काढ़ा है जिसको पीने से आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि कोरोना आपके आसपास नहीं पटकेगा, या फिर हो गया तो लड़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमें चाहिए क्या है, बहुत आसान सी चीजें हैं, आपको विधि भी बताता हूं और बनाते वक्त आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें चाहिए और किस तरीके से ये आसान सा हेल्दी काढ़ा बनेगा जो आयुष मंत्रालय ने कहा है बहुत जरूरी है पीना। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है, पतीला ले लेना है चाय वाला और उसमें 1.5 कप पानी आप डालकर गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए। अब इसमें जो जो चीजें यूज होनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यूज करेंगे अदरक का। थोड़ी सी अदरक अगर सूखी हुई हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस अदरक को हम कूट लेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम इस पानी में अदरक को डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से उबलने देंगे। अदरक वैसे भी दोस्तों बहुत ही एक ऐसा हर्बल है जो आयुर्वेद में रेकमेंड किया जाता है इम्यून सिस्टम को बढ़िया करने के लिए, ठीक करने के लिए। 2 दाने काली मिर्च के, जी हाँ, सिर्फ 2 दाने काली मिर्च के लीजिए। उनको भी अच्छे से कूटना है। अब आपको कूटने के बाद ये भी आपको इस जो काढ़ा हम तैयार कर रहे हैं इसमें आपको डाल देना है। तो अदरक के बाद 2 दाने अपने काली मिर्च के हो गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो क्या है भाई, वो है दालचीनी। जी हाँ, ये छोटी सी लकड़ियाँ जो है हम हमेशा हमारे घर में रहती, मैं हमेशा अपनी माँ से पूछता था ये क्या है माँ, लकड़ी क्यों डाल देती हूँ खाने में। लेकिन ये बाद में पता चला मुझे जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, अकल आई कि बहुत काम की चीज़ है। तो इसको भी हम कूट लेते हैं। ओके जी, थोड़ा सा कूट के इसको थोड़ा सा तोड़ने के बाद ऐसे तोड़ के इसको भी पानी में डाल दिया। ये तीनों हार्ड चीज़ें ये उबलने देते हैं। अब बारी आती है अच्छी वाली चीज़ की, जिसको लेकर बहुत पिटाई भी होती रहती थी घर में। जब भी ये फ्रिज में से चुरा के खाते थे, इसको मुनक्का बोलते हैं, मुनक्का दाख भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ जो है इसको भी आप हल्का सा मैश करके इसको भी डाल दीजिए। अब आता भाई ये बड़े काम की चीज़ जो हर घर में होना चाहिए, तुलसी का पत्ता। तुलसी के 4 पत्ते हमने लिए हैं, इसको कूटने या फिर इसको ऐसे मैश कर लो। इसको अब आपने उबलने देना है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है इस काढ़े को तैयार करने का। अब ये उबलता रहेगा और ये काढ़ा काफी उबालने के बाद जब 1.5 कप हमने डाला था, अगर ये 1 कप पक जाए तब इसको उतार लेना। अब कई दोस्तों को क्या दिक्कत होती है कि ये यार काढ़ा इसमें ना चीनी डली है, ना लड्डू साथ रखे जाएंगे, ना पेड़ा बर्फी होगा, तो क्या करें। तो फिर इसका इलाज है बहुत ही सिंपल सा, शहद। ठीक है, अगर आपको पीने में दिक्कत हो इस काढ़े को तो आप 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा नींबू भी अगर खट्टा स्वाद चाहिए तो डाल सकते हो। ये काढ़ा आपका तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ी देर उबलने देते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें मुनक्का डाला जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, इसमें हमने अदरक डाला जो एंटीबायोटिक का भी काम करती है, दालचीनी हमने डाली जो वजन कम करती है, तुलसी के पत्ते हमने डाले इसमें, तुलसी तो वैसे भी वरदान है दोस्तों। अब इसमें अगर आपकी इच्छा है कि आप थोड़ा सा इसको मीठा बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पिया नहीं जाएगा अगर हल्का मीठा नहीं होगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल सकते हो, अच्छे से मिला सकते हो, बन गया आपका काढ़ा। तो दोस्तों ये आपकी हर्बल टी या फिर जो काढ़ा मैंने बोला था बनकर तैयार है। अब इसको सिप सिप करके वाह पीजिए, ये सच में टेस्टी है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप दिन में इसको 2 बार पियेंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा, फैट कम होगा और कोरोना दूर रहेगा।